बाड़मेर में नवंबर माह की जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर हो रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता भरत सिंह और प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र जैन को विलेज एक्शन प्लान के निर्माण में तेजी लाने के साथ ग्राम जल स्वच्छता कमेटियों प्रशिक्षण के लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा बैठक को महीने में दो मर्तबा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जलदाय विभाग और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिले में हर घर को नल से जोड़ने के लिए हो रहे कार्यों में तेजी लाकर बाड़मेर को जल संपन्न जिला बनाना होगा। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को इस मिशन के कार्यों को पहली प्राथमिकता से करते हुए गांव ढाणी के हर घर हर बाशिंदे तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना होगा। ये कहना है बाड़मेर जिला कलेक्टर और जिला जन एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष लोकबंधु यादव का। उन्होंने ये बात जिला जन एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक में सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों में प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ साथ कार्यों की गुणवत्ता पर भी जोर देना आवश्यक है। उन्होंने मिशन के कार्यों में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठक को हर 15 दिन में करने के निर्देश दिए। बाड़मेर में नवंबर माह की जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सोमवार को बाड़मेर में जिला जन एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर हो रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बाड़मेर वृत्त के अधीक्षण अभियंता भरत सिंह और प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र जैन को विलेज एक्शन प्लान के निर्माण में तेजी लाने के साथ ग्राम जल स्वच्छता कमेटियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा बैठक को महीने में दो मर्तबा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न पेयजल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता सतवीर यादव, आईईसी कोऑर्डिनेटर अशोक सिंह, अमृत बोहरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।